डायरेक्टरी के अंदर यूजर्स कैसे बनेंगे, ठीक है, और वो जो यूजर्स हैं जी वाई करेक्टर यूजर इंटरफेस मोड और जी वाई कमांड प्रॉम्प्ट मोड दोनों तरीके से कैसे बना सकते हैं। जी वाई मोड पर बनाने के लिए यूजर डोमेन यूजर बनाने के लिए एक्टिव डायरेक्टरी में एडमिन टूल्स पे जाने, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर पे जाने, यहाँ पर आपका डोमेन नेम अभी स्टार्ट होगा, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर खुलेगा, वहाँ पर मैंने google.com डोमेन बनाया, उस डोमेन को एक्सपेंड करते हैं, यूजर्स पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से हमें एक डोमेन यूजर प्रिपेयर कर सकते हैं, न्यू देन यूजर, यहाँ पे यूजर नेम बना रहा हूँ, जैसे मैं बना रहा हूँ सजेंदर, लास्ट नेम डाल रहा हूँ सिंह, यूजर लॉगर नेम t.sing@google.com बन जाएगा, पासवर्ड दे रहा हूँ ASP -123 और सेलेक्ट कर रहे हैं यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड एंड पासवर्ड नेवर एक्सटेंड, अगर आप सेलेक्ट करेंगे यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग इन, तो ये फर्स्ट टाइम जब भी यूजर लॉग इन होगा तो पासवर्ड चेंज करेगा ये, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, ये हमारा एक यूजर बन गया GUI मोड पे ग्राफिकल मोड पे, इसको करते हैं मिनिमाइज, करेक्टर यूजर इंटरफेस मोड पे बता रहा हूँ कैसे बनेगा यूजर, चलिए कमांड प्रॉम्प्ट खोला, यहाँ कमांड टाइप करेंगे ds एड टूल है जिससे तो हम यूजर बना सकते हैं, स्पेस यूजर स्पेस इन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे cn इक्वल टू यूजर का नाम देंगे, जैसे यूजर 01 दे रहा हूँ नाम, और जो इन्वर्टेड फॉर्म में हम लिख रहे हैं ये सिंगल पास है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखना है, cn इक्वल टू यूजर 1 dt इक्वल टू गूगल dt इक्वल टू फॉर्म, आगे पासवर्ड दे रहे हैं -pwd पासवर्ड ASP -123 दे रहा हूँ, यूजर अगर हम GUI मोड से बनाते हैं तो वो डिसेबल्ड होता है, तो बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड को हम एक्टिव करना चाहते हैं तो -disabled को नो करेंगे, ठीक है, -can CX PWD यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड चेक बॉक्स टिक लग जाए तो क्या उसके लिए हम यहाँ पे नो लिख देंगे, ठीक है, तो ये चीज कहाँ पे बने, ये यूजर डायरेक्टरी में यूजर के फोल्डर में बने, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड कर देता हूँ cn = user, ठीक है, एंटर करते हैं, यहाँ पे पासवर्ड बन गया, ठीक है, और जो हमारा एनी यूजर्स एंड कंप्यूटर है अभी टेम्परेरी मोड पे खुला हुआ है, स्टॉप फॉर्म भी है खोलने की dsk.msp, इससे हम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर खोल सकते हैं उसका स्टॉप फॉर्म, ठीक है, और यहाँ पर हम चेक करते हैं लास्ट में यूजर 01 आगे, यहाँ पर यूजर हमने PY मोड पर बनाया था और ये उसका यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड और यूजर हमारा एक्टिवेटेड, ठीक है, तो ये यूजर बनाने का तरीका है, लूप बनाना है अगर आपको तो यहाँ पर यूजर पर राइट क्लिक करेंगे न्यू ग्रुप, यहाँ पर हम ग्रुप नेम देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रुप नेम दिया IT मेंबर, ग्रुप हमारा तीन तरीके के स्कोप में बनता है, डोमेन लोकल जो सिंगल सर्वर पर रहेगा लिमिटेड, डोमेन ग्लोबल जो पूरे एंटरप्राइज में ग्लोबली कहीं पर भी जा सकता है, ठीक है, डोमेन यूनिवर्सल जो एक कंपनी से दूसरे कंपनी में भी स्विच कर सकते हैं, यानी यूनिवर्सल ग्रुप होगा वो, ग्रुप के टाइप दो तरीके के होते हैं, सिक्योरिटी जिसमें हम सिक्योरिटी लगा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप जिसमें हम ग्रुप ईमेल आईडी बना सकते हैं, ठीक है, और ये जो ग्रुप ईमेल आईडी है ये यूज करते हैं जैसे कि किसी कंपनी का एग्जाम्पल लेक्चर लेते हैं कि info@example.com, तो आप कोई ब्रांड का कस्टमर इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो इन्फो की ईमेल आईडी पे मेल कर देगा, तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप होता है, यहाँ पे एक ग्रुप बनाएंगे ओके करके, इसके मेंबर्स बनाने हैं, डबल क्लिक किया मेंबर्स पे गए, ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पर डाल दिया सजिंदर, चेक नेम पे क्लिक करते हैं, सजिंदर का यूजर आ जाएगा, यूजर 01 लिखते हैं, चेक नेम किया, यहाँ पर यूजर 01 आ गया, ओके किया, दो यूजर यहाँ पर आ गए, ठीक है, अप्लाई कर दिया और ओके, अब हमें ग्रुप अगर कमांड प्रॉम्प्ट से बनाना है तो ds एड करके आप क्वेश्चन मार्क करके देख सकते हैं ds एड में ग्रुप बनता है कि नहीं,
यहाँ पे बी एस एड में क्या क्या चीजें होती है, बी एस एड में ग्रुप बनेगा ये, ठीक है, ये ग्रुप का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ग्रुप बनाना है, तो हम यहाँ पे बी एस एड स्पेस ग्रुप स्पेस इन्वर्टेड कॉमा में टी एन इज इक्वल टू ग्रुप नेम दे देते हैं, जैसे रोमन हाइफन स्टाफ देते हैं, कॉमा कहाँ पर बने, टी एन इज इक्वल टू यूजर पे बने जाके, कॉमा डी सी इज इक्वल टू गूगल, कॉमा डी सी इज इक्वल टू कॉम, जो हमारा डिस्टिंग्विश पाथ है ग्रुप बनाने का, ग्रुप बन गया। अब यहाँ पर जाके हम रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर google.com सेलेक्ट करते हैं, रिफ्रेश किया, यूजर सेलेक्ट करा, यहाँ पर एक वुमन हाइफन स्टाफ आ गया, सिक्योरिटी ग्रुप बना बाय डिफॉल्ट, सिक्योरिटी ग्लोबल बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्लोबल ग्रुप भी बनता है। इसका मैं अगर सिर्फ यूजर 01 मेंबर बनाना चाहूँ तो एक यूजर भी मेंबर बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके सिनेरियो पे कितने मेंबर्स बनाने हैं, ठीक है। ग्रुप बनाने के बाद मैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बनाना चाहता हूँ, तो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हम ग्राफिकली कैसे बनाते हैं, OU बेसिकली एक कंटेनर है जिसमें सारे एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं, जैसे google.com है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जैसे मैंने HR ग्रुप का नाम बनाया, ठीक है, एक OU बन जाएगा, ग्रुप का नाम नहीं है, ये OU है, OU पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू करूँगा तो सारे ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ, ठीक है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे को मतलब इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी HR। अब इसके बाद मैं अगर इसको डिलीट करता हूँ तो यस करता हूँ, तो इसके अंदर सर्वर 2008 में लेटेस्ट फीचर है कि आप किसी भी ग्रुप को डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। डिलीट करना है तो इसके लिए एडवांस फीचर्स में जाओ, व्यू के अंदर और HR ग्रुप के प्रॉपर्टीज में जाओ, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट टैब आएगा, ऑब्जेक्ट टैब के अंदर प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन, ये अनचेक करोगे, ओके करोगे, तब जाके डिलीट करोगे, तब ये डिलीट होगा, अदरवाइज ये डिलीट नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट से बनाना चाहता हूँ OU को, तो कैसे बनाना है, यहाँ लिखा है DSS ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, तो DSS स्पेस OU स्पेस इन्वर्टेड कॉमा में OU इज इक्वल टू, मैं बना देता हूँ यहाँ पे टैब कॉमा CC इज इक्वल टू गूगल, ये गूगल के अंदर बने google.com पे, तो दिस इज इक्वल टू गूगल, दिस इज इक्वल टू कॉम, एंटर करते हैं, बन गया dsa.msc करते हैं, यहाँ पे हमारा टैग OU बन गया है, ठीक है। इस OU पे राइट क्लिक करके यूजर भी बना सकते हैं, ठीक है, जिसे मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ अजय, ठीक है, अजय डॉट पासवर्ड ASC-123, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीका है कि यूजर GUI मोड ग्राफिकल मोड प्लस ग्रुप GUI मोड OU GUI मोड और GUI मोड से कैसे बना सकते हैं, ये तरीका है एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर बनाने का, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में बने, ठीक है। बस सही हमें करना है, सब चीज़ें बंद करके डिस्कस करते हैं, क्लोज करते हैं।